नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो हम हमारी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं। हम सब अपने गुरु के आशीर्वाद से, डॉक्टर हनुमान सर के आशीर्वाद से आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 27। जैसे कल हमने समझा डॉक्टर कुशल मैडम से कि व्हाट इज नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, नेचर में क्या ऐसा होता है और क्योर होता है, तो बातें हमने समझी। वही बातों को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमारी जो जर्नी चल रही है उसमें से सबसे पहला पड़ाव चल रहा है नॉलेज ऑफ डिजीज, उसी के बारे में हम पढ़ रहे। द क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन देयरफॉर डिपेंड्स ऑन देयर सिम्टम्स सिमिलर टू द डिजीज बट सुपीरियर टू इट इन स्ट्रेंथ। तो जो क्योरेटिव पावर है मेडिसिन का, कि जिस जो डिपेंड करता है उनके सिम्टम्स पर, कि जो डिजीज जो हमारे सामने आया है उसके सिमिलर हो, उसी सिम्टम्स के ऊपर उसका डिपेंडेंस होती है, लेकिन वो उससे थोड़ा सुपीरियर होता है स्ट्रेंथ में। जैसे हमने एफोरिज्म नंबर 12 से लेके 26 तक हमने समझते आए हैं। सो दैट ईच इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज इज मोस्ट श्योरली, और इसीलिए हर एक इंडिविजुअल केस, डिजीज का कोई भी केस हो, कोई भी इंडिविजुअल केस हो, वो मोस्ट श्योरली रेडिकली रैपिडली एंड परमानेंटली एनिहिलेटेड एंड रिमूव्ड ओनली बाय अ मेडिसिन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द ह्यूमन सिस्टम इन द मोस्ट सिमिलर एंड कंप्लीट मैनर द टोटालिटी ऑफ इट्स सिम्टम्स विच एट द सेम टाइम आर स्ट्रॉन्गर देन द डिजीज। तो जो इसीलिए कोई भी डिजीज हो वो सबसे ज्यादा विश्वास के साथ, सबसे ज्यादा संपूर्ण तरीके से, रेडिकली मीन संपूर्ण तरीके से, रैपिडली मीन सबसे ज्यादा, मोस्ट मोस्ट ये कॉमन है, ये सब सब क्वालिटी के ऊपर अप्लाई होगा, मोस्ट मोस्ट रैपिडली सबसे ज्यादा तीव्र गति से, मोस्ट परमानेंटली सबसे ज्यादा कायमी तरीके से, जड़ से इसको परमानेंटली एनिहिलेटेड, जड़ से इसको हर रोज के लिए उसको खत्म करना एंड रिमूव्ड ओनली बाय, और ये रिमूव होता है जड़ से, खत्म होता है किससे, ओनली बाय अ मेडिसिन, सिर्फ वही दवाई से जो दवाई कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, जो दवाई ह्यूमन सिस्टम में उसी तरीके से उसी कंप्लीट मैनर में बीमारी को प्रोड्यूस कर सकता है, सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, वही दवाई हर वो बीमारी को सही कर सकते हैं जो हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रही है, विच एट द सेम टाइम आर स्ट्रॉन्गर देन द डिजीज। और मेडिसिनल डिजीज जो क्रिएट होता है, जैसा एफोरिज्म नंबर 26 से हमने समझा कि मेडिसिनल डिजीज क्रिएट होता है वो नेचुरल डिजीज को एनिहिलेट करता है, तो ये जो मेडिसिनल डिजीज हमेशा होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे तो हनुमान सर समझाते कि कोई भी दवाई की जो पावर है वो भाग्य ही हम कम कर सकते हैं उतनी, कि वो नेचुरल डिजीज से भी कम हो जाए, उतनी हम कम ही नहीं कर सकते। जो भी दवाई देंगे उसमें उसकी पावर तो स्ट्रॉन्गर ही रहेगी, क्योंकि मेडिसिनल पावर स्ट्रॉन्गर रहती है एज कंपेयर टू डिजीज, नेचुरल डिजीज तो वो स्ट्रॉन्गर ही रहने वाले, सेम टाइम वो स्ट्रॉन्गर ही है, इसीलिए वो डिजीज से स्ट्रॉन्गर हो जाती है, और वो फिर जो परमानेंटली एक्सटिंग्यूश करती है वीकर डिजीज को। वही एक्सप्लेनेशन है 26 की। काफी सारे एफोरिज्म ऐसे ही चलेंगे, फिर हम चलेंगे कि दो डिसिमिलर डिजीज मिलेंगे तो क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। अभी यही एक्सप्लेनेशन है 26 की। 27 में भी वही बात है कि जो दवाई सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हो उसी तरीके से, मोस्ट सिमिलर मैनर में, मोस्ट कंप्लीट मैनर में जो सिम्टम्स को, टोटालिटी को क्रिएट करता है, वही दवाई डिजीज को अच्छा कर सकती है, हमारे सामने जो इंडिविजुअल बैठा है उसको अच्छा कर सकती है। 28 एज दिस नेचुरल लॉ ऑफ प्योर मैनिफेस्ट इट सेल्फ इन एवरी प्योर एक्सपेरिमेंट एंड एवरी ट्रू ऑब्जर्वेशन इन द वर्ल्ड द फैक्ट इज कॉन्सिक्वेंटली इस्टेब्लिश्ड इट मैटर्स लिटल वॉट मे बी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट टेक्स प्लेस
and I do not attach much importance to the attempts made to explain it, but the following view seems to commend itself as the most probable one, as it is founded on premises derived from experience. तो एफोरिज्म 28 क्या कहता है कि जैसे ही नेचुरल लॉ प्योर जो हमने 26 में पढ़ा वही कल पढ़ा, वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है कि कोई भी प्योर एक्सपेरिमेंट हो उसमें या फिर हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जर्वेशन चल रही है हमारी उसमें भी ये एप्लीकेबल है नेचुरल लॉ प्योर। हमारी आसपास की दुनिया में जो ऑब्जर्वेशन हो रही है हमारी वो सच्ची होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग फैक्ट ये इस्टेब्लिश किया, द फैक्ट इज कॉन्सिक्वेंटली इस्टेब्लिश, इट मैटर्स लिटल व्हाट मे बी साइंटिफिक एक्सप्रेशन ऑफ हाउ इट टेक्स प्लेस। इसमें कोई मैटर नहीं है कि उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कैसे दे, ये कैसे होता है, उस पर हमारा ध्यान पहले से ही हनुमान सर ने वो हमें एफोरिज्म नंबर 1 से हमें समझाया है कि हमें कोई भी स्पेक्युलेटिव एग्जामिनेशन में नहीं जाना है, कोई पूर्व धारणा में नहीं जाना, कोई थियोरी भी नहीं बनानी है कि ये कैसे काम करता है। बस ये काम कर रहा है, आपको बस सिम्टम को मैच करना है, टोटालिटी को मैच करना है और दवाई देनी, बस वो अपने आप सब सही होगा। उसके पीछे नहीं भागना है कि ये कैसे सही हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है बॉडी में, तो जीनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाती, क्योंकि काफी ऐसे केसेस होम्योपैथिक वर्ल्ड में है कि जो होम्योपैथी से जीनेटिक डिजीज अच्छे हुए हैं, क्या होता है तो कैंसर रिवर्स हो जाता है, ऐसी ऐसी उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाने, बस वो हो रहा है उसको देखो। एंड आई डू नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू द अटेम्प्ट्स मेड टू एक्सप्लेन इट, और मे बी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस उसको अटैच नहीं दे रहा हूँ कि कैसे ये होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन में को ट्राई करने में कोई इंपॉर्टेंस मैं नहीं दे रहा हूँ। हनुमान सर खुद उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते कि भाई ये कैसे अच्छा हो रहा है, बॉडी में जाके क्या साइंटिफिक प्रोसेस होती है मेडिकल लेवल पे, जैसे हमारे फिजियोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर स्ट्रक्चरल लेवल पे क्या होता है, उसके पीछे उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए मना किया है। वो खुद भी मना कर रहे और खुद को अपने आप को भी रोक रहे कि भाई मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करने वाला। बट द फॉलोइंग व्यू सीम्स टू कॉमेंड इट सेल्फ एज द मोस्ट प्रोबेबल वन, लेकिन ये जो व्यू है अब जो आएगा वो सबसे सबसे प्रोबेबल यानी कि उसकी संभावना काफी ज्यादा है, एज इट इज फाउंड ऑन प्रीमाइसिस डिराइव फ्रॉम, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले वो सब एक्सपीरियंस से आई हुई बातें हैं, और वही इसीलिए इसकी प्रॉबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि ये अपने आप ही हुआ है। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित रखते हैं, कल हम समझेंगे कि कौन एक्सपीरियंस से क्या डिराइव हुआ है और वो क्या सबसे ज्यादा प्रोबेबल चीज वो क्या है जिससे जिससे ये सब जो इस्टेब्लिश हुआ है फैक्ट होम्योपैथी का वो क्या है, वो हम कल समझेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेशन तो नहीं कह सकते लेकिन उसके एक्सपीरियंस से क्या डिराइव हुआ वो हम समझेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।